हेलो एवरीबॉडी, अमिता शर्मा फ्रॉम मेडो कंप्यूटर्स। आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं कंप्लीमेंट को। कंप्लीमेंट क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या लॉजिक गेट्स में, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीमेंट क्या होते हैं। वैसे कंप्लीमेंट का मीन्स होता है विपरीत, उल्टा। लेकिन यहाँ नंबर सिस्टम में यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीमेंट क्या होते हैं, कैसे प्रयोग में लिए जाते हैं, क्यों प्रयोग में लिए जाते हैं, कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और मेरा हम दोनों का फ़ायदा हो। साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट मैंने कई जगह देखने की कोशिश की कि मैं इसको बहुत अच्छे से समझना और समझाना दोनों चीज़ें चाह रही थी। तो मेरे को देखने में ऐसा मिला वीडियोस में कि क्लियर स्थिति मुझे लगभग नहीं मिल पाई कि हम एक बिल्कुल स्पष्ट क्या कहें कि कंप्लीमेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो आइए मैं इस वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि कंप्लीमेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कंप्लीमेंट होता है मीन्स होता है विपरीत यानी उल्टा। और कंप्लीमेंट को एप्रोस्ट्रॉफी का जो साइन होता है यानी ऊपर की तरफ कॉमा का जो साइन होता है उसके द्वारा, या बार जैसे ए के ऊपर कॉमा लगा दीजिए या ए के ऊपर एक रेखा खींच दीजिए, इसके द्वारा हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल मीन्स इसका बार या एप्रोस्ट्रॉफी होता है जिसको प्रोनाउंस नॉट किया जाता है। और कंप्लीमेंट के लिए की प्रक्रिया के लिए, की क्रिया के लिए, ऑपरेशन के लिए नॉट गेट का प्रयोग किया जाता है। नॉट गेट ट्राइंगल और उसके आगे एक बबल यानी गोल चिन्ह होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि क्यों आखिर कंप्लीमेंट क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता है। तो कंप्लीमेंट जो है होता है क्या है कि हमने नंबर सिस्टम में बात की थी कि सभी नंबर सिस्टम कहें या डाटा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो हमने कहा था कि डाटा को रिप्रेजेंट किस प्रकार से कंप्यूटर में किया जाता है। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेक्निक है वो नंबर सिस्टम कहलाती है। और नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास बाइनरी नंबर्स, नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल में भी लगा कि अभी तो और बहुत सारा डाटा बाकी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए तो हमारे जो कोड्स बने। तो ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन आपने गौर किया होगा कि नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इनके द्वारा, तब हमने पॉजिटिव नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात की। हम हेक्साडेसिमल में भी 15 तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 10 से हमारा एबीसी शुरू हो रहा है, तो 9, 1 से 9 यानी 0 से 9 द्वारा हर अंक बन जाता है। लेकिन हमने 0 से 9 में माइनस की तो बात ही नहीं की थी, नेगेटिव नंबर्स की तो बात ही नहीं की थी। तो समस्या ये आई कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। और यदि नेगेटिव नंबर्स की आप बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि हमने कहा था 256 आंकड़े होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में या हम लैंग्वेज में यूज में लेते हैं। तो यदि हम माइनस की भी कैलकुलेशन करें तो ये और बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास तो लेकिन इतना ही था। तो इतना इसलिए था क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि उसको रिप्रेजेंट वो किसी और तरीके से कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए कुछ और मीन्स आगे नहीं बनाए कोड्स। जितने कोड हुए उन्हीं से वो उसको रिप्रेजेंट करने लगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेगेटिव नंबर्स के प्रेजेंटेशन के लिए जो है कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। और कंप्लीमेंट में खास बात ये होती है कि एडिट मतलब एड जोड़ने वाले जो सर्किट होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके और घटाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। टेक्निक होती है ऐड करने वाले सर्किट्स का प्रयोग करके घटाने की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है और इस प्रक्रिया को कंप्लीमेंट किया जाता है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमें डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और कोड्स बनाने की जरूरत नहीं हुई। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमें
बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, तो हमें फिर सर्किट भी, इसका मतलब सर्किट्स की संख्या भी बढ़ जाती है, हमें और सर्किट बनाने चाहिए थे उसको माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो एक टेक्निक इस तरीके से बनाई गई कि हम गेट एक ही है, उसी के द्वारा हम कुछ डिफरेंट प्रोसेस करके और सब्ट्रैक्शन का काम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट बनाया गया, कॉम्प्लीमेंट टेक्निक का प्रयोग किया गया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का। ओके, बाय, थैंक यू।